दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जानवरों के पेट में पाए जाने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में। इसलिए आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो वीडियो लास्ट में है वह और भी खतरनाक है। कॉइंस इन टर्टल स्टोमेच। थाईलैंड में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कछुए की सेल पर कॉइंस फेंकने से कछुए की उम्र बढ़ जाती है। ऐसा करने से उसकी लाइफ में कुछ साल और ऐड हो जाएंगी। यह एक पौराणिक मान्यता है, लेकिन इससे कछुआ की उम्र तो नहीं बढ़ा, लेकिन इस मान्यता के कारण कछुए की जान जाते जाते बच गई। दरअसल हुआ यह कि बैंकॉक की एक टर्टल पूल में कुछ लोग कछुए के सेल पर कॉइन फेंकने आते थे, लेकिन यह 25 वर्षीय एक कछुए ने उन सिक्कों को निगलना शुरू कर दिया। ऐसे में एक दिन उसकी हालत खराब हो गई, जिसके कारण वह तैरने में भी असमर्थ था। फिर मेडिकल टीम ने जब उसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल ले गया और फिर एक्सरे करने के दौरान पता चला कि उसके शरीर में सिक्कों जैसे कुछ मेटल भारी मात्रा में मौजूद है। यह बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरत होगी कि स्कैन के बाद जब उसकी सर्जरी की गई, जिसके दौरान उसके पेट में 915 सिक्के निकाले गए, पर इन सिक्कों का कुल वजन 5 किलो से भी ज्यादा था। 85 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड मेटल इन बुल। भारत में गाय और अन्य जानवरों की पेट में प्लास्टिक बैग जैसी चीज मिलना आम बात हो गई है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में एक सांड की पेट से 85 किलो प्लास्टिक और मेटल का कचरा पाया गया। एक लावारिस सांड रोड के साइड में तड़प रहा था और उसके पेट भी ज्यादा फूला हुआ था। उसकी नाजुक हालत देखकर लोगों ने उसको वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि सही खाना न मिलने की वजह से यह सांड प्लास्टिक और मेटल की चीजें खाने लगा और धीरे धीरे यह चीज उनके पेट में जाकर जमने लगा और जमा होते होते अंत में इस कचरे का वजन 85 किलो हो गया। लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ने यह बताया कि यह सांड 6 साल से प्लास्टिक और मेटल का कचरा खाकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन पेट में इतना ज्यादा प्लास्टिक और मेटल होने की अंत में उसके पेट और फेफड़े में अधिक ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस सांड के लिए एक लाइक जरूर कर दें। 47 इन स्नेक स्टोमेच। 27 जनवरी 2017 को एक व्यक्ति ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर यह फोटो पोस्ट की, जिसमें एक सांप AK-47 को निगला हुआ था। यह फोटो काफी ज्यादा वायरल भी हुई, लेकिन यह फोटो में कितनी ज्यादा सच्चाई है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। लेकिन सांपों की बड़ी बड़ी चीजें निकलने और पचाने की शक्ति को देखते हुए इन पिक्चर को फेक बताना सही नहीं हो सकता। 3 टर्टल इन क्रोकोडाइल स्टोमेच। दोस्तों मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मगरमच्छ इंसानों से लेकर किसी भी छोटे जीव पर हमला बोलने से नहीं चुकता, लेकिन कई बार यह उनकी आदत उल्टा पड़ जाती है। ठीक इस प्रकार की यह घटना यहाँ पर हुई। आज तक आपने सुना होगा कि मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़े से किसी भी जीव को मारकर खा सकता है, लेकिन आपको बता दें यह कछुए की मजबूत सेल को तोड़ पाना मगरमच्छ के लिए काफी दुर्लभ काम है। यहाँ पर मगरमच्छ ने 3 कछुओं को पकड़ तो लिया, लेकिन उसे तोड़कर खाने में असमर्थ रहा। मगरमच्छ ने इन 3 कछुओं को सेल समेत निगल गया। इस बात का पता तब चला जब शिकारियों ने इस मगरमच्छ को पकड़ा और मारकर काटने लगी। इन लोगों ने देखा कि मगरमच्छ के पेट में 3 जिंदा कछुए थे, जिन्हें वह पचा नहीं पा रहा था। टोंग इन स्नेक। दोस्तों सांप अपने खाने और ना खाने की चीजों में फर्क पता कर सकता है या फिर नहीं, इस बात का जवाब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विंसन नाम की एक पालतू पाइथन ने दिया। विंसन के मालिक ने उसे रोज चिमटे से पकड़कर उनका खाना डालता था और चिमटे को पिंजरे में छोड़ देता था। लेकिन एक दिन उसके मालिक को पिंजरे में चिमटा नहीं मिला और उसने देखा कि सांप का शरीर फूला हुआ था। फूला हुआ शरीर को देखकर मालिक को शक हुआ कि सांप चूहे के साथ साथ चिमटा को भी निगल गया। यह देखकर उसका मालिक उसको डॉक्टर के पास ले गया और वहां सर्जरी करके सांप के शरीर के अंदर से चिमटा निकाला गया।
दोस्तों, यह सभी वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और क्या आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट टू लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।